हेलो दोस्तों, तो आज का ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो क्लास ट्वेल्थ का एग्ज़ाम दे चुके हैं और वो सोच रहे हैं कि आगे हम क्या करें, आगे हम बीए करें या आगे हम बीएससी करें। तो आज का ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ही है क्योंकि हम आपको कुछ सजेस्ट करेंगे, ठीक है, सजेशन देंगे कि भैया आपको या तो बीए ले लीजिए या बीएससी ले लीजिए। क्या आपके लिए बेटर रहेगा, क्या उनसे बेहतर रहेगा, क्या करना चाहिए, आज का ये वीडियो पूरा इसी पर होना चाहिए। और मैं आज के इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा सा आप सब्र रखिएगा, अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने लिख दिया बीए वर्सेस बीएससी। अब आता है कि देखिए, किसी के लिए क्या होता है ना, किसी के लिए बीए जो इजी होगा और किसी के लिए बीएससी इजी होगा, पर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग चॉइसेस हो सकते हैं। बट क्या है ना कि जैसे परिस्थिति पर भी निर्भर करता है कि आप क्या कर सकते हैं, और नॉलेज पर भी निर्भर करता है। किसी के लिए बीएससी आसान होगा तो किसी के लिए बीए आसान होगा। बट मैं यही कहूँगा, सबसे पहला मैं कारण यही बताऊंगा, यदि आपके पास टाइम है, यदि आपके पास टाइम है तो आप क्या कर लीजिए, बीए ले लीजिए। टाइम नहीं है, सॉरी, अगर आपके पास टाइम नहीं है तब जाकर बीए ले लीजिए। अगर आपके पास पूरा टाइम है, अच्छे हैं आप, आपका पैसे हैं, सब कुछ है, तो आप बीएससी ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि जो याद रखेंगे आप कि ये जो बीए है ना, बीएससी है ना, ये आपसे टाइम लेगा, ठीक है, ये आपसे अधिक टाइम लेगा। बट जो बीए है ये आपसे अधिक टाइम नहीं लेगा, इसमें थोड़ा सा टाइम आप कम भी देंगे तो चलेगा। ऐसा क्यों, तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप जानते ही होंगे, थोड़ा बहुत तो आपने सुना ही होगा ना, जो बीए है ना, बीए में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है। बीए में जैसे हिस्ट्री हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद आपका आता है पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है, अदर ईटीसी बहुत सारे हैं, ठीक है, तो ये हो गया, भूगोल हो गया और भी। तो इधर अगर आते हैं तो इधर आपको मोस्टली क्या होता है, जो होता है आपका फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री हो जाएगा, और मोस्टली क्या होगा, एक हो जाएगा मैथ। ये मोस्टली आपके तीन सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, जिसको आपको अच्छे से स्टडी करना होता है। और आपने, हालांकि अगर आप साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता है कि क्लास ट्वेल्थ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ कितना, मतलब बेहतर तरीके से आपका सिलेबस भी बड़ा है, हार्ड भी है थोड़ा बहुत, ठीक है। बट अगर आप समझेंगे तो ज़्यादा मैथ केमिस्ट्री हार्ड नहीं है, ठीक है, मैथ जो फिजिक्स केमिस्ट्री हार्ड नहीं है, मैथ तो हार्ड होता ही है। तो इसका बड़ा लेवल में आपको जो बीएससी है उसमें आपको बताया जाएगा। तो ये बात आप समझ के, इसलिए हार्ड होता है। बट मैं ये भी कहूँगा कि इसलिए ये हार्ड नहीं होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, बल्कि हार्ड इसलिए सभी लड़कों को लगता है क्योंकि ये टोटल जो सब्जेक्ट है ना, ये टोटल आपको इंग्लिश में ही देना होगा। ये जो पेपर है वो आपका इंग्लिश में आएगा, इंग्लिश में ही आपको लिखना होगा। जैसे अभी तक क्या था कि फिजिक्स का पेपर देने गए थे बोर्ड एग्ज़ाम का, तो हिंदी में इंग्लिश में दोनों आया था। तो हिंदी इंग्लिश में भले ही दोनों आएगा, बट आपको लिखना किस में है, इंग्लिश में ही लिखना है। जैसे मान लेते हैं आपका आ गया केमिस्ट्री में कि बोर का परमाणु मॉडल लिखिए, तो बोर का परमाणु मॉडल हिंदी में नहीं लिखना है, इंग्लिश में आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। इसलिए हमने कहा कि इसमें कम समय आपको देना होता है, इसमें अधिक समय देना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका इंग्लिश जो अंग्रेजी है वो बहुत ही वीक है, तो वो कैसे कैसे कर पाएंगे। बट मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि सर नहीं कर पाएंगे, ये अगर आपके पास टाइम है और पैसे हैं तो आप बिल्कुल इस पर आप बीएससी ले सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। जहाँ तक बात है कि सर अगर हम बीए कर लेते हैं तो क्या फ़ायदे होंगे, या बीएससी कर लेते हैं तो क्या फ़ायदे होंगे, अगर फ़ायदे की बात करें या नुकसान की बात करें, तो देखिए, जो आपका बीए है ना, बीए और बीएससी दोनों लगभग इक्वल ही हैं,
ठीक है, दोनों लगभग समान ही है, कोई भी फायदा नुकसान नहीं है। ठीक है, फायदे क्या है, जैसे ऐसा नहीं है कि बीए आप करेंगे, बीएससी करेंगे तभी आप कोई भी जो सरकारी नौकरी है उसमें फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे बीए भी अगर आप करते हैं ना, तो बीए में भी आप डिफेंस है, ठीक है, डिफेंस है, इसमें आप जा सकते हैं। उसके बाद जो आपका बैंकिंग है, उसके बाद आपका जो रेलवे है, ठीक है, उसके बाद आपका जो यूपीपी है, अभी आपने समझा है यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस है, ठीक है, यूपीएसआई है, आईएएस है, आईएएस, पीसीएस है, तो ये सभी, ये जितने भी आपको हमने अभी तक आपको बताया, डिफेंस में आप जा सकते हैं, जैसे आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये सब में, फिर से रेलवे में भी आप जा सकते हैं, बैंकिंग का कोई भी फॉर्म है वो भर सकते हैं, यूपीपी, यूपीएसआई, सब इंस्पेक्टर जो आईएएस है, पीसीएस है, ये सब आप बीए करके भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि आप बीएससी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं पढ़ना पड़े, ये आप भर सकते हैं इसमें फॉर्म, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट बीएससी जो है ना, बीएससी में आपको क्या, जैसे बीएससी जो ज़्यादातर स्टूडेंट वही करते हैं जिनको टीचर बनना है, जिनको टीचर बनना है ना, वो बीएससी कर सकते हैं, या प्रोफेसर बनना है, ठीक है, तो वो बीएससी करते हैं, ठीक है, बीएससी करेंगे, बीएससी के बाद बीएड करेंगे, उसके बाद वो टीचर के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, भर्ती में अपना टीचर पद एक नियुक्त कर लेंगे, प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए, या अदर बहुत सारी नौकरियाँ आती हैं तो इसमें भी आप कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो मोस्टली हम सभी का सपना तो इन्हीं सभी में होता है कि अगर सरकारी नौकरी लेना है तो इन्हीं सभी में ले लिया जाए और बेटर रहेगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपके पास समय कम है, पढ़ना आप कम चाहते हैं, जैसे कि घर की परिस्थितियाँ हैं, कुछ काम भी करना है, ठीक है, घर की परिस्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं कहूँगा बीए ले लीजिए, बीए आप ले लिए होंगे, ठीक है, तो घर पे भी आप पढ़ाई कर लेंगे, एग्ज़ाम जाकर स्कूल में जब टाइम आएगा तो उसका दे देंगे, अदरवाइज आप कहीं काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, कोई भी गलत बात नहीं है, ठीक है, अपनी घर की परिस्थिति के साथ साथ आपको किया जाता है। बट आप कहेंगे सर आपने क्या लिया है, मैं दिल से कहूँ तो मैंने बीए लिया है, क्लास ट्वेल्थ का जब हमने पास किया था उसके बाद हमने बीए लिया। क्यों हमने बीए लिया, बीए हमने इसीलिए लिया क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग क्या है, कम है, टाइम कम देना होता है, और टाइम मेरे पास ज़्यादा नहीं था। क्यों ज़्यादा नहीं था, क्योंकि आप सभी को हमें सिखाना था, आप सभी को हम पढ़ा जो सिखा रहे हैं तो सिखाने में टाइम तो देना ही पड़ेगा, आपके जीवन के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, जितना हो सकता है उतना मेहनत करते हैं और अच्छे से मेहनत हम करते हैं, और आप सभी को पता ही है कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से मोस्टली फिजिक्स और केमिस्ट्री गया है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो कह रहे थे कि थोड़ा बहुत मेरा मिस्टेक हो गया सर, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ठीक है, हार्ड कहाँ पर हुआ है, न्यूमेरिकल आपसे छूट गया है, न्यूमेरिकल के लिए विशेषकर हमने कहा था, बट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, जो होने वाला था हो गया। अभी केवल यही प्रार्थना है, दुआ है हमारी कि आप सभी का एक अच्छे नंबर से पास हो, रिजल्ट आपका अच्छा है, ठीक है, तो ये बात समझ के, टाइम आपके पास कम है, ठीक है, तो आप ये ले लीजिएगा, टाइम आपके पास ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा हैं, तो आप बीएससी ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का जो डाउट है ये आपको क्लियर हो गया होगा और आप चूज कर पाएंगे कि बीए हमें करना है या बीएससी करना है। तो चलिए दोस्तों, अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे और भी इंफॉर्मेटिव जो वीडियो होंगे वो सब हम आपके लिए अवेलेबल कराएंगे इसी चैनल पर। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।